नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है बलरामपुर से। पीस पार्टी ने 2022 के चुनाव को लेकर ठोका ताल। पीस पार्टी संपूर्ण स्वराज यात्रा लेकर पहुंचे बलरामपुर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ। उत्तर प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान सरवस्ती बलरामपुर बॉर्डर पीस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किए जोरदार स्वागत। काफिले के साथ प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान पहुंचे आदित्य होटल, जहां पर पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा फूल का माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। सैकड़ों कार्यकर्ताओं रहे मौजूद। 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरे प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान मंच पर जिला अध्यक्ष पत्रकारों से बात करते हुए पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने बताया कि 250 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन आ चुके हैं। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ है। पीस पार्टी गरीब मजदूर मजलूम किसानों की पार्टी है। इसमें डॉक्टर इंजीनियर सभी का सहयोग है। बलरामपुर सदर सुरक्षित सीट पर जगराम पासवान का टिकट और प्रभारी भी बनाया गया है। उतरौला विधानसभा से मौलाना अरबाब फारूकी को टिकट दिया गया है और प्रभारी भी बनाया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए मिथिलेश कुमार की खास रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में पहुंची है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता के अंदर चेतना जगाना, खास कर से जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उपेक्षित समाज है, महिलाओं को, युवाओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर, कि वक्त आ गया है एक बदलाव करने का, परिवर्तन करने का उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ आइए और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए पीस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। मिशन 2022 में पीस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी तक पीस पार्टी के पास 250 सीटों पर आवेदन आ चुका है और ख़ासकर आपके जनपद बलरामपुर के अंदर पीस पार्टी सारी चारों सीटों पर लड़ेगी और दो सीटों पर पीस पार्टी के प्रभारी आ भी गए हैं। और जो माननीय जिला अध्यक्ष सगीर खान साहब हैं, उन्होंने बताया है कि सितंबर के आखिरी में यहां पर चारों सीटों पर हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त कर देंगे और दिसंबर के अंदर जितने प्रभारी हमारे पास आ जाएंगे सबकी सूची प्रत्याशी के रूप में हम लोग दिसंबर में प्रकाशित कर देंगे। क्या अन्य दलों को भी शामिल करेंगे इस चुनाव में? अभी तक तो पीस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये निर्णय है कि अभी अकेले अपनी तैयारी कर रही है। आगे जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, उनका निर्णय आएगा, पार्टी वैसा ही फैसला लेगी।